हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वर 2019 कोर को किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको किस तरीके से हम डोमेन के साथ ज्वाइन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक बेसिकली मेरी कोर सर्वर मशीन ऑन करनी होगी। तो ये मेरी सर्वर कोर मशीन है जिसे मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग जो यूटिलिटी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम इसे कॉन्फ़िगर करना है वो है एस कॉन्फ़िग। तो मैं एस कॉन्फ़िग टाइप करूँगा। एंटरप्रेस करते हैं। एंटरप्रेस करने के बाद ये आपकी एस कॉन्फ़िग यूटिलिटी चालू हो गई है। सो अभी फॉन्ट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज जाके फॉन्ट पे जाएंगे और 16x18 ले लेते हैं तो विजिबल हो जाएगा आपको। ओके करते हैं। तो करेंटली ये तो सबसे पहले मुझे जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे हमको मशीन का नाम चेंज करने का है, डोमेन में मशीन भी डालना है, हमें नेटवर्क सेट करना होगा, डेट एंड टाइम सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का नाम देते हैं। तो उसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे। कुछ नंबर्स दिए होते हैं, हमें वो नंबर टाइप करना होता है। उस नंबर के हिसाब से फिर हम बेसिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो हम 2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और मशीन का मैं नाम देता हूँ सर्वर कोर 19। तो मैंने मशीन का नाम दिया है सर्वर कोर 19। इसके बाद ये बोलता है कि आपको मशीन को रिस्टार्ट करना होगा। तो करंटली मैं मशीन रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, नो करता हूँ। तभी नाम नहीं चेंज होगा, जब नेक्स्ट टाइम मशीन रिस्टार्ट होगी तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। अभी हम डेट एंड टाइम चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको 9 प्रेस करना होगा। सो बिफोर कॉन्फिगरिंग नाम हमने चेंज किया, अभी नेटवर्क हम सेट करते हैं। तो अभी मेरे मशीन पर DHCP एनेबल था तो उससे DHCP से IP मिल चुका है, बट हमें चेंज करना है तो इसका इंडेक्स जो है 1 आता है, इंडेक्स क्लिक करेंगे। सो अब इसके लिए सबसे पहला मुझे 1 प्रेस करना होगा जिससे मैं IP सेट कर सकूँ। यहाँ पर स्टैटिक IP देना है तो S प्रेस करना है, बाय डिफॉल्ट DHCP होता है। तो मैं स्टैटिक IP दे रहा हूँ 10.0.0.2.26। सबनेट बॉक्स डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, गेटवे देते हैं 10.0.0.1। इसके बाद DNS सर्वर सेट कर लेते हैं। तो 2 प्रेस करेंगे। तो नया DNS एड्रेस दे देते हैं, अल्टरनेट DNS देने की ज़रूरत नहीं है। ओके करते हैं। रिटर्न होते हैं तो 4 प्रेस करेंगे। नाउ वी गो फॉर डेट एंड टाइम सेटिंग। उसके लिए 9 प्रेस करेंगे। टाइम जोन अपना इंडिया का चूज करेंगे 5:30 प्लस। ओके प्रेस करते हैं। तो ओके, तो ये कुछ बेसिक चेंजेस है मैंने जो चेंज किया हुआ है। फिर इसके बाद मशीन को शटडाउन कर लेते हैं जिससे हमारी मशीन रिस्टार्ट हो जाए। तो अभी तक हमने बेसिक अपनी मशीन को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब देखते हैं हम डोमेन में मशीन को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास कोर मशीन में अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ और साथ में अपना डोमेन मशीन भी चालू कर लेता हूँ। तो मेरा जो ऑलरेडी पहले से मैंने अपने एक ऑलरेडी मैंने अपने पहले एक सर्वर बना के रखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने अपने मशीन पे वर्चुअल मशीन पे ऑलरेडी वर्चुअल मशीन पे मैंने एक सर्वर डाला हुआ है। तो उसे हम चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर उसमें मैं अपने सर्वर मशीन पे चलता हूँ, देखिए वहाँ मेरा IP दिया है 10.0.0.1।
उसके बाद सर्वर 19 एस जी बी के डोमेन है। वापस से हम अपने कोर मशीन पे चलते हैं, हम एस कॉन्फिग करके चलते हैं। तो हम जो पिछली बार नाम चेंज किए थे, देखते हैं वो डला है कि नहीं। तो हमने नाम चेंज किए थे, सर्वर को 19 डाले थे, इसका मतलब मेरी मशीन का नाम चेंज हो गया है। अभी करेंटली मेरी मशीन वर्क ग्रुप में है, तो अभी हमें इसे डोमेन ज्वाइन करवाना है। तो पहले हम पिंग करके देख लेते हैं कि हमारा सर्वर के साथ ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो मेरा सर्वर का एड्रेस था 10.0.0.1, तो मैंने पिंग किया उसको, तो ये कनेक्टेड है। तो अब हम इस मशीन को सर्वर ज्वाइन करेंगे, वापस से इस कॉन्फिग में चलते हैं। इस बार हमें टू प्रेस करने का है, और टू प्रेस के नाम चेंज किए थे। अभी हमें जो प्रेस करने का है वो है वन। वन प्रेस किए तो वहाँ पर उसने आपसे पूछा कि आपको डोमेन ज्वाइन करवाना है, वर्क ग्रुप में तो मेरे को डोमेन ज्वाइन करवाना है। तो मैं डी प्रेस किया, जैसे मैं डी प्रेस करता तो आपको डोमेन का नेम पूछता है। तो मैंने अपने डोमेन का नाम दिया shivbks.com। उसके बाद ऑथराइज करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से मैं ऑथराइज कराऊंगा। एंड आफ्टर, जैसे ही मैं एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करता हूँ तो मुझसे पासवर्ड पूछता है। तो अभी मुझे अपने सर्वर, जो मेरा 2019 सर्वर है, जो मेरा shivbks.com है, उसका पासवर्ड सेट देना होगा मुझे, जिससे ऑथराइज कर सकूँ मैं। यहाँ पासवर्ड सेट कर देता हूँ। आफ्टर पासवर्ड, जैसे पासवर्ड टाइप करते तो पासवर्ड यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, आप टाइप करिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद आपसे बोलेगा कि आप मशीन को स्टार्ट करिए, तो मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। और कंप्यूटर नेम देना है तो आप दीजिए, नहीं तो प्लान छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें मशीन स्टार्ट करना है। तो अगर आप चेक करेंगे तो डोमेन में मेरी मशीन आ चुकी है, shivbks.com। मेरा सर मशीन का नाम सर्वर को 19 है। चेक करते हैं हम अपने सर्वर मशीन पे चल के कि वहाँ पर मेरे पास और ये मशीन आई है कि नहीं। तो मैं सर्वर मशीन पे चलूँगा, EDDS में चलता हूँ। जनरली हम EDDS के लिए दो ऑप्शन है, एक तो हम डायरेक्ट टूल से जाके भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंट्रोल्स में जा सकते हैं कंप्यूटर्स में, या तो हम EDDS के ऊपर राइट क्लिक करके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे। तो कंसोल ओपन होगा, वहाँ चलते हैं हम लोग कंप्यूटर्स डोमेन कंट्रोलर में। तो मेरा डोमेन कंट्रोलर सर्वर 19 पे डला हुआ है। कंप्यूटर्स में जाके देखते तो ये देखिए सर्वर कोर 19 मशीन जो कि ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी मशीन को, जो मेरी सर्वर, जो मेरी कोर मशीन है, उसे हम डोमेन के साथ ज्वाइन कराए हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।